करते हुए जो खास यूएसपी है उसका इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम अपनी इनकम को कई गुना तक ज्यादा बढ़ा सकें, उसके बारे में आज ये सेशन है। तो ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, फेसबुक के ऊपर भी लाइव है। अगर आप चाहते हैं अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर चुके हैं और 180 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के सेशन के अंदर, आज के इस वेबिनार के अंदर, प्रदीप सिंह राठौर कीवा का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर, आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम सभी लोगों को जिंदगी का जीने का कोई ना कोई मकसद है। हम अपनी लाइफ के अंदर अगर हम बात करें जिंदगी की, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर सारे लोग जो हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। हम सारे लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर हम लोग एक सक्सेसफुल पीपल बने। हम लोग सारे के सारे लोग कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कामयाबी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं जिंदगी की बात करूं कि व्हाट इज लाइफ, तो मैं ये कहना चाहूंगा जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है विटामिन एम, या जिसको हम बोलते हैं मनी। यानी कि पैसा आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों की सोच है कि अगर जिसके पास अच्छा पैसा है वो अपनी जिंदगी में क्या है, सफल है, कामयाब है। सेकेंड चीज आती है बेटर हेल्थ, यानी कि अगर हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य है, अगर हमारे पास अच्छा पैसा है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं या कामयाब हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीजें कमाना आसान काम है या मुश्किल काम है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो अगर सही प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है तो पैसा और स्वास्थ्य कमाना दोनों ही आसान काम है, लेकिन अगर आपने सही प्लेटफॉर्म का चुनाव नहीं किया तो हो सकता है आप इनमें से किसी एक चीज को ही लाइफ में अर्न कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, उन्होंने कीवा काइबो बिजनेस का चुनाव किया है, या फिर आज इस कीवा काइबो इंडस्ट्रीज के वेबिनार के अंदर आप सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिल सकता है और आप लोगों को अच्छा पैसा भी मिल सकता है। यानी कि यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी में आज के सेशन को अगर आपने ध्यान पूर्वक अटेंड कर लिया, आज के सेशन को अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ अटेंड कर लिया, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आज आपको जिंदगी में कामयाब होने का मूल मंत्र आज के सेशन के माध्यम से मिलने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों का, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, चाहे मैं अपनी बात करूं या मैं कंपनी के एमडी और रेस्पेक्टेड डॉक्टर करण गोयल सर की बात करूं या मैं आप सभी लोगों की बात करूं, हम सभी का, क्योंकि देखिए दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले कोई भी काम अगर आपको करना है तो कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ गोल आपको सेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गोल आपको सेट करना पड़ेगा। तो कीवा काइबो इंडस्ट्रीज ने भी और आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, हम सभी लोगों के लिए ये गोल है कि हम सभी लोगों का जो मिशन है वो है सन 2022, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी क्लोजिंग होगी, यानी सन 2022 तक हम सभी लोगों का मिशन है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से लगभग 4 गुना ज्यादा हमारा ओवरऑल बिजनेस पूरे साल का होना चाहिए। बात करूंगा कीवा काइबो इंडस्ट्रीज की, तो हम सभी लोगों का, कीवा के मैनेजमेंट का, कीवा की पूरी टीम का, हमारे एमडी सर का, हम सभी का एक ही गोल है कि 2022 में कीवा का 2021 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में जो टर्नओवर होना चाहिए वो 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहता हूं यही गोल आप लोगों का भी होना चाहिए कि आप लोगों का जो है बिजनेस, आप लोगों की जो है इनकम, आप लोगों का जो बीपी, वो जो है 4 गुना ज्यादा होना चाहिए 2022 तक, यानी 4x by 2022। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये आसान है या मुश्किल है, या इस टारगेट को हम लोग कैसे अचीव करेंगे, इस मिशन को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, जो मिशन हम लोगों ने बनाया है कि 4x by 2022 सन 2022 तक चाहे हमारा सेल हो, चाहे हमारा बीपी हो, चाहे हमारी इनकम हो, इन सभी को हमें क्या करना है, 4 टाइम ग्रो करना है, 4 गुना ज्यादा तक बढ़ा करके ले जाना है। लेकिन इस मिशन को किस तरीके से पूरा किया जाता है, इस मिशन को पूरा करने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है, हमें इसको समझने की सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ी। देखिए, एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जब हम लोग आते हैं तो एक सिंपल सा उसका रूल होता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हर व्यक्ति चाहता है मोर इनकम लेने में, यानी कि सारे के सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग इंटरेस्टेड हैं बड़ी इनकम लेने की। हर कोई चाहता है कि मैं बड़ी इनकम लूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ी इनकम लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, यानी बड़ा पैसा किससे आएगा, बड़े बिजनेस से आएगा,
बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा होगा, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर आप एक बड़ी इनकम लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा टास्क है, इंक्रीज योर टीम साइज। हम सभी लोगों को अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें लोगों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा रूल है। यानी कि लोगों की संख्या कैसे, यानी कि अगर आपकी टीम में मोर ज्वाइनिंग होगी तो आपकी टीम के अंदर मोर बीपी होगा, जब आपकी टीम के अंदर मोर बीपी होगा तो आपकी टीम के अंदर आपको मोर इनकम मिलने वाली। सवाल ये उठता है कि हम लोग, हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमेशा पैसा पैसा पैसा, हम लोग हमेशा पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने दिमाग को, अपने ध्यान को थोड़ा सा पैसे से हटाकर, थोड़ा सा इनकम के हटाकर, अगर हम लोग इस रूल पे लेकर के आएंगे कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में या कीवा बिजनेस के अंदर सफल होने का सिंपल सा रूल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा आपकी टीम के अंदर कंज्यूमर बेस होगा, जितना ज्यादा आपकी टीम में उपभोक्ता होंगे, जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे होंगे या प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, इस काम को जितने लोग कर रहे होंगे, समझ जाइए उतना ज्यादा आपकी टीम का सेल होगा। जितना ज्यादा आपकी टीम में कंज्यूमर बेस होगा उतना ज्यादा सेल होगा, जितना ज्यादा सेल होगा उतना बड़ा, उतना ज्यादा बीपी आपको मिलने वाला है, और पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इनकम आपको मिलता है वो मिलता है बिजनेस पॉइंट या बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। यानी कि जितना ज्यादा आपकी टीम के अंदर कंज्यूमर बेस होगा उतना ज्यादा सेल होगा, और जितना ज्यादा सेल होगा उतनी बड़ी बिजनेस पॉइंट आपकी टीम में आएंगे, और जितना ज्यादा बिजनेस पॉइंट आपकी टीम में आएंगे उतना ज्यादा बड़े चेक आप लोगों के ग्रुप के अंदर आने वाले। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सभी लोगों को अगर अपनी इनकम को बड़ा करना है तो अपनी टीम में बीपी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी टीम के अंदर सेल परचेज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कंपनी से ऑर्डर लगाने की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा और हमारी टीम में कंज्यूमर बेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कंपनी से ज्यादा स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लगाएं, और नीचे कंज्यूमर बेस जो हमारा बना हुआ है, जो ओक्टा बना हुआ है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जाए। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट परचेज होगा, उतना ज्यादा हमारी टीम में सिस्टम में बीपी आएगा, कंपनी की तरफ से सिस्टम में बीपी आएगा, और जितना ज्यादा सिस्टम में बीपी आएगा उतना ज्यादा बीपी चढ़ेगा, और जितना ज्यादा बीपी आईडियो पर चढ़ेगा उतनी बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा रूल है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है कि आपकी टीम के अंदर जितना बड़ा कंज्यूमर बेस होगा उतना ज्यादा सेल और परचेज बढ़ेगा, अगर इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले आपकी टीम के अंदर उपभोक्ता नहीं होंगे, अगर लोग नहीं होंगे जो आपकी टीम के अंदर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो आपके स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट कैसे कंपनी में ऑर्डर लगाएंगे? जब आपके स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट कंपनी में ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो कंपनी से बीपी सिस्टम में कैसे आएगा? जब कंपनी से बीपी सिस्टम में ही नहीं होगा तो आईडियो पे चढ़ेगा कैसे? जब आईडियो पे बीपी नहीं आएगा तो आपके मैचिंग कैसे होने वाली है? आप बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं? पूरा महीना सोचते रहिए बड़ी इनकम लेनी है, 1 लाख पे आउट लेना है, 2 लाख पे आउट लेना है, 5 लाख पे आउट लेना है। मैं कहता हूं पे आउट की चिंता से बाहर आकर अपने इंडिविजुअल ग्रुप के कॉन्ट्रीब्यूशन या टर्नओवर पे फोकस अगर आप करेंगे, यहां पे बैठा हर व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमा रहा होगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन हमारा जो ध्यान है यानी कि हम जो है, हमारी सोच जो है वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर, हम क्या चाहते हैं हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है हमारा फोकस वहां नहीं है। हमेशा कहा जाता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका फोकस जो होता है वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी डिजायर्स होती हैं। यानी कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, आपको क्या देना है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो आपको क्या देना है, देखिए अगर आपकी टीम के अंदर उपभोक्ता ज्यादा होंगे, जितने भी लीडर या जितने भी कीवा के डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि आपकी टीम में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या जितनी होगी उतना आपके स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट से लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और जितना ज्यादा आपके सुपर स्टॉकिस्ट या स्टॉकिस्ट का सेल होगा उतना ज्यादा स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट कंपनी में वापस रीऑर्डर करेंगे या रीपरचेज करेंगे। कंपनी में रीपरचेज करेंगे तो कंपनी से सिस्टम में बीपी आएगा, जब सिस्टम में बीपी मार्केट में आएगा तो कहीं ना कहीं आईडी पे चढ़ेगा, जब किसी ना किसी आईडी पे बीपी चढ़ेगा तो सभी लोगों के चेक जो है बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने चेक को, अगर आप बड़ी इनकम को लेना चाहते हैं, अगर आप मोर इनकम लेना चाहते हैं, तो
आपको अपने टीम साइज को या कंज्यूमर बेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, इस बात पे हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बिजनेस पोटेंशियल इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए इंडिया के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो दुनिया के किसी देश में इतनी कंपनीज आपको देखने को नहीं मिलती होगी जितनी इंडिया के अंदर लीगल तौर पर देखने को मिलती है, और बहुत सारी एमएनसी कंपनीज भी इंडिया के अंदर अपने पांव उन्होंने जमा रखे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है सैकड़ों की संख्या में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, बहुत सारे पिन कोड, और उसके अलावा लगभग 138 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर निवास करती है। 138 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन। सवाल ये उठता है कि कीवा काइको बिजनेस, अगर मैं कीवा काइको इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कीवा का पोटेंशियल इंडिया के अंदर कितना हो सकता है, या हम लोग कीवा बिजनेस के माध्यम से कहां पहुंच सकते हैं, या कीवा बिजनेस को हम इंडिया में किस लेवल पे ले जा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इंडियन आदमी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोगों का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है वो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्गीय लोग सबसे ज्यादा, या गरीब तबके, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यानी कि हमारी जो 50-60% पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की है। और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को तीन तरीके के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, यानी कि उनको प्रोडक्ट चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंज्यूमेबल, जिनका वो इस्तेमाल कर सकें, अफोर्डेबल हो, जो उनकी पॉकेट अलाउ करती हो, जो उनको महंगे ना लगे, और रिपर्चेजेबल हो, यानी कि उनकी क्वालिटी इतने बेहतर हो, वो प्रोडक्ट उनको इतने अच्छे लगे, इजी टू यूज हो उनके लिए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हिंदुस्तानी आदमी को कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपर्चेजेबल प्रोडक्ट मिलता है तो हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो उस प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है। अब सवाल उठता है कि कीवा काइको इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर काम करने में आप लोगों को कितनी संभावना है, हम यहाँ पर कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कीवा के जो प्रोडक्ट हैं वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, कीवा के जो प्रोडक्ट हैं वो रिपर्चेबल प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को बनाया है। यानी कि ये बात बिल्कुल श्योर है कि हम अगर चाहें तो हर हर कीवा और हर घर कीवा का जो हमारा सपना है उसको हम लोग सिर्फ कीवा काइको इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के माध्यम से अपने शहर के हर घर तक कीवा के प्रोडक्ट को या कीवा के उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। सवाल ये उठता है हमें क्या बड़ा करना है, कंज्यूमर बेस बड़ा करना है। कंज्यूमर बेस बड़ा करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता हमें बढ़ाने हैं, और उपभोक्ता बनाने का मतलब है कि हर घर में कीवा का उत्पाद जाना चाहिए। इस चीज के लिए हमें ध्यान देना होगा और इसके ऊपर हमें काम करना होगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है और आप सभी लोगों की, एज ए कीवा डिस्ट्रीब्यूटर आप सभी लोगों की भी ये जिम्मेदारी है। अब सवाल उठता है कि इसको समझने से पहले आपको कीवा की बिजनेस स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। देखिए हर कंपनी की कोई ना कोई यूएसपी होती है, हर कंपनी का कोई ना कोई एक प्लस पॉइंट होता है। तो कीवा के साथ क्या यूएसपी है, या कीवा के कौन से सीक्रेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लोग अपने पूरे शहर में, आप लोग अपने पूरे गांव में, अगर आप लोग चाहें तो अपनी लीडरशिप से, अपनी टीम के थ्रू, अपने पूरे स्टेट में, हर जगह पर आप कीवा कर सकते हैं, या हर हर कीवा, हर घर कीवा का सपना पूरा कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों को कीवा बिजनेस स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, क्या कीवा की ताकत है। सबसे पहले उस ताकत को आपको आजमाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करते हैं जिनका जवाब हमें आता होगा, यानी कि जो करना हमारे लिए आसान होता है सबसे पहले हम वो काम करते हैं। जो पार्ट हमारा क्या होता है, मजबूत होता है, जो चीज हमने ज्यादा पढ़ी होती है, यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है सबसे पहले हम उस पर काम करते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए इस बिजनेस के अंदर भी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं तो कीवा की जो स्ट्रेंथ है, अगर आप कीवा काइको बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको जो कीवा की बिजनेस स्ट्रेंथ है सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है यहाँ बैठे हर व्यक्ति को। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लगभग 305 लोग अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्से से मुझे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हुए होंगे। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को कीवा बिजनेस की स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। और कीवा की स्ट्रेंथ क्या, कीवा की ताकत क्या है, सबसे पहली चीज कीवा की ताकत है, कीवा का
यूनिक होम शॉपी यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कि कीवा का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, कीवा की जो होम शॉपी है उसके थ्रू ही, क्योंकि सिर्फ एक ही जरिया है जिसके थ्रू हम लोग हर हर कीवा और हर घर कीवा के सपने को पूरा कर सकते हैं, वो है यूनिक होम शॉपी या फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर हम चाहें तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे बहुत बेहतर तरीके से काम करके यहाँ पे बैठा हर शख्स अपने बीपी को भी बढ़ा सकता है, अपनी इनकम को भी बढ़ा सकता है, अपने कंज्यूमर बेस को भी बढ़ा सकता है। ये सारे काम सिर्फ एक चीज से संभव है और वो है कीवा के होम शॉपी और फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करने के लिए। और मैं ये सिर्फ ये बातें अगर मैं आप लोगों से कर रहा हूं तो इसके इसके पीछे कोई बेस है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, लगभग 7 से 8 महीने का उसका ड्यूरेशन था, बहुत सारे कीवा डिस्ट्रीब्यूटर ने कीवा होम शॉपी की बिजनेस स्ट्रेंथ को समझा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत सारे लीडर ने इसकी स्ट्रेंथ को समझ के उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जो लीडर 10 लाख के बिजनेस पे हुआ करते थे, आज वो 50 लाख के बिजनेस पे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, लगभग ऐसे दसियों एग्जांपल मेरी आंखों के सामने मैंने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर देखे हैं, जिन्होंने कीवा होम शॉपी या फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम किया। यानी कि ये मॉडल काम करता है। इस मॉडल पे काम करके सिर्फ आप ही ग्रो नहीं करेंगे, आपकी पूरी टीम ग्रो करेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि ये कीवा का बिजनेस स्ट्रेंथ है और ये कीवा का है कीवा का होम शॉपी और फ्रेंचाइजी मॉडल। क्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर जहां ट्रेन बंद थी, बसेस बंद थी, सब कुछ बंद था, फ्लाइट बंद थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़ी बड़ी हर चीजें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब कुछ जहां पे ठप था, लेकिन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन यानी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, टेस्ट लैबोरेटरीज, ये सब खुले रहे। यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने कोरोना टाइम में बहुत ग्रो किया। बात करते हैं अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बंद रहा, लेकिन जनरल स्टोर्स यानी राशन की जो दुकानें हैं वो खुली रही। लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जरूरत की जो भी चीजें थी लोग उसको खरीदते रहे, चाहे उनकी इनकम सोर्स बंद हो गया हो, उनकी जॉब चली गई, उनकी सैलरी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लोगों ने एसेंशियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। और तीसरी चीज है एग्रीकल्चर, यानी कि इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है। ये तीन सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में भी लगातार काम करते रहे, यानी देश में कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी, ये तीनों सेक्टर जो है वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे, ये 100% बिल्कुल प्रूफ हो चुका है इस कोरोना टाइम के अंदर। अब सवाल ये उठता है, क्या कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्थ केयर, एसेंशियल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद है या नहीं है, मुझे आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्या कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोडक्ट है या नहीं है, क्या एसेंशियल प्रोडक्ट्स है या नहीं है, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या नहीं है। अब जवाब आ रहा है सर हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कीवा के पास ये सारे इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर्स के प्रोडक्ट एक ही जगह पर आपको मिलते हैं, तो अगर आप कीवा बिजनेस करेंगे तो आप कैसे मान सकते हैं कि आप लोग ग्रो नहीं करेंगे और आपके घर में अच्छा पैसा नहीं आएगा। बशर्ते बहुत जरूरी है एक सही डायरेक्शन के अंदर काम करने की, एक राइट डायरेक्शन के अंदर काम करने की, इसको हमें समझने की थोड़ा सा जरूरत है। यानी कि ये बात बिल्कुल श्योर हो जाती है कि जब कोरोना के अंदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने ग्रो किया, एसेंशियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री ने ग्रो किया, एग्रीकल्चर ने ग्रो किया, और ये तीनों के तीनों इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट कीवा के पास मौजूद हैं, तो कीवा में अगर हम काम करते रहेंगे तो हम लोग भी ग्रो करते रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आप जानते हैं कि कीवा के पास हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक, हेल्थ इक्विपमेंट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर, हर्बल ड्रॉप्स, वेट मैनेजमेंट, एफएमसीजी, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, यानी कि 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास मौजूद है। यानी कि 550 से ज्यादा के प्रोडक्ट कीवा इंडस्ट्रीज के पास मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट से, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप लोगों को अगर क्वालिटी की गारंटी नहीं भी मिलती हो, लेकिन फिर भी कीवा इंडस्ट्रीज आपको कॉशर सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, WHO GMP सर्टिफाइड, HACCP ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, USFDA सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको देता है, और साथ में देता है 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। यानी कि क्वालिटी को लेकर के हमारे जितने भी लोग होंगे, जो भी हमारा कंज्यूमर बेस, यानी कि जिनको हम उपभोक्ता बनाएंगे, वो सारे के सारे लोग क्वालिटी को लेकर के तो 100% अश्योर होने वाले हैं कि कैसे हम अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाएं। जिनको भी हम कीवा का उत्पाद देंगे, वो कीवा की प्रोडक्ट रेंज,
कीवा के अफोर्डेबल प्रोडक्ट और कीवा के प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के 100% अश्योर हो जाएंगे और कीवा के उत्पाद का यूजर बनना चाहेंगे। और फिर हमारा जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स है जो सेलिब्रिटीज से, चाहे वो मोनालिसा, आसमा नंदनी, अंजना सिंह, रागिनी द्विवेदी, जिन्होंने कीवा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, जो फेमस चेहरे हैं, जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, अलग अलग लोग हैं, उन सभी लोगों ने कीवा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। यानी कि हमारे कंज्यूमर बेस को अगर ये सारी चीजें हम बताएंगे तो उनका जो भरोसा होगा वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट की तुलना में कीवा के प्रोडक्ट पे उनका जो भरोसा होगा वो और ज्यादा मजबूत होगा, और ऐसे जो है वो हमारा यूजर बेस यानी हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। आप लोग जानते हैं कि कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करना हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो टीम बनाने का बिजनेस, टीम बचाने का बिजनेस, टीम बनाने का बिजनेस है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये टीम बनाने का बिजनेस नहीं, ये टीम को बचाए रखने का बिजनेस है। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस तो है लेकिन लोगों को जोड़े रखने का भी बिजनेस है। यानी कि आपको इस बिजनेस के जो बारीकियां हैं उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सवाल उठता है कि कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर हमें काम क्यों करना है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब कोई नया व्यक्ति कीवा काइपो बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो चाहे कंज्यूमर बेस बनाए चाहे वो टीम बना के काम करे, जब 20 लोगों को उन्होंने या 20 फैमिली को उन्होंने कीवा के साथ जोड़ा या 20 लोगों की उन्होंने टीम बनाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहली चीज प्रमोट होती है वो होता है प्रोडक्ट। यानी कि अब जो 20 फैमिली आप लोगों ने जुड़ी है या 20 लोगों की जो आपने टीम बनाई है उसको जरूरत होती है प्रोडक्ट। लेकिन अक्सर होता क्या है, बहुत सारे लोग टीम बनाने में बिजी तो रहते हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूमर बेस बनाने में बिजी तो रहते हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और एक पेस्ट, एक साबुन, एक शैम्पू और एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को दो दो तीन तीन दिन अगर वेट करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल के लिए आपसे किसी ने एक शैम्पू मांग लिया कि आप काफी दिन से कीवा के शैम्पू की तारीफ कर रहे थे, मुझे कीवा का शैम्पू दीजिए, और आप उनको दो से तीन दिन वेट करा रहे क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपके नियर बाई या जो दूर स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट है, आप उनसे जाएंगे, प्रोडक्ट को परचेज करके आएंगे, फिर सामने वाले को देंगे, और ऐसा करने में एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी व्यक्ति दो दो तीन तीन दिन वेट नहीं करता है। यानी कि अगर किसी को पेस्ट अर्जेंट चाहिए तो पेस्ट के लिए तीन दिन वेट नहीं कर सकता है, अगर किसी को बाथिंग सोप चाहिए तो उसके लिए वो दो तीन दिन वेट नहीं कर सकता। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हमारे पास होगी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। यानी कि आप टीम तो बनाए जा रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर बेस तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उस कंज्यूमर बेस को सर्विस देने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्ध है या नहीं है, क्या इस बात पे हमने कभी फोकस किया? हम लोगों को जोड़े तो जा रहे हैं लेकिन क्या लोगों को जोड़कर रख पा रहे हैं, क्या हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया? क्या हम लोगों को एक बार कीवा का उत्पाद तो दे दिया लेकिन जब वो मांगने आते हैं, जब वो हमसे कीवा का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या जब कोई भी डिमांड टीम से निकल के आ रही है, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी कि सर्विस हम दे पा रहे हैं? हमें इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस सेक्टर के अंदर, मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा, अगर आप किसी को कोई भी उत्पाद दे देते हो तो वहां से आपकी एंड नहीं होता है, वहां से आपकी शुरुआत होती है। सेल जो होता है वो बिगनिंग होता है उस प्रोसेस का, यानी कि सेल के बाद ही असली चीज स्टार्ट होती है, यानी कि लोग आपसे वो चीज लेते रहे, इसी चीज को असली सेल कहा जाता है। और तीसरी चीज है ब्रांड विजिबिलिटी, यानी कि अगर आप कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करेंगे, यकीन मानिए आपकी टीम का सेल अपने आप बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी चीज किराना स्टोर से लेने जाइए, किराना स्टोर से आप जब लेने जाते हैं तो आप हमेशा वो चीज लेकर के आते हैं जो आप घर से सोच करके जाते हैं कि अच्छा मुझे एक पेस्ट लाना है, एक शैम्पू लाना है, और ये लाना है, वो लाना है। अगर आप 10 आइटम की लिस्ट बना के किसी किराना स्टोर पे जाते हैं तो वो 10 आइटम आप लेकर के आते हैं, लेकिन अगर आप 10 आइटम की लिस्ट बना के बिग बाजार में जाते हैं, रिलायंस फ्रेश पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं जहां पे सेल्फ सर्विस होती है, जहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, आपको आंखों के सामने दिखता है, जहां पे ब्रांड दिख रहा होता है आपकी आंखों के सामने, और वहां पे जब आप जाते हैं, यकीन मानिए आप 10 आइटम की लिस्ट बना करके जाते हैं और वहां से 15 आइटम आप लेकर के आ रहे होते हैं। ये ताकत होती है डियर फ्रेंड्स विजिबिलिटी की। यानी कि अगर आपके पास, अभी तो आपकी टीम जो मांगेगी आप उसको वो उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा तो आपकी टीम वो भी ले जाएगी जो उसको उस समय पे उसकी जरूरत महसूस होगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने पास, आप हर
जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनके पास 20 लोगों का नेटवर्क है, जिनके पास 20 लोगों की टीम है, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों को सलाह देना चाहूंगा कि अगर उस 20 लोगों की टीम से आप 200 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं या उस 20 लोगों के कंज्यूमर बेस से आप 200 लोगों का कंज्यूमर बेस बनाना चाहते हैं तो आपके पास फ्रेंचाइजी का होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपके पास कीवा फ्रेंचाइजी नहीं है, आप लोगों को सर्विस कैसे दे पाएंगे, कैसे सेल क्लोज कर पाएंगे, कैसे उनको तुरंत प्रोडक्ट दे पाएंगे? जो दिखता है वो बिकता है। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा तभी आप चीजों को बेच पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर 20 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक कीवा का फ्रेंचाइजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हमारी प्लानिंग होनी चाहिए अब होम शॉपी जब हमारे घर में हो गया, यानी कि हमने जब अपने घर पे कीवा का होम शॉपी ले लिया है, फ्रेंचाइजी ले लिया है, तो सिंपल सी चीज होगी। अब उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, मस्ट प्लेस अ बैनर ऑफ कीवा। हमें एक कीवा का बैनर अपने घर के सामने लगाना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले एट होम। हमारे घर पे एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। और बैनर किसी भी तरह का हो सकता है, ये एक एग्जांपल है, इसका किसी भी तरीके का बैनर आप बनवा सकते हैं। इसके बहुत सारे सैंपल आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास कीवा का होम शॉपी होगा तो अगर आप घर के बाहर बैनर, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप किसी गली या गली से निकलते हैं तो बहुत सारे घरों के बाहर आपको एक ब्यूटी पार्लर का एक छोटा सा 3x4 या 2x3 का एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है। और वो किससे लगा होता है? रश्मि ब्यूटी पार्लर या मोनिका ब्यूटी पार्लर, इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी गली से निकलते हैं। तो वो ये बताता है कि इस घर के अंदर कोई लेडी है जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है। यानी कि अगर आप जब तक अपने घर के बाहर एक छोटा सा बैनर नहीं लगाएंगे तो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई एक नया स्टार्टअप किया है, आपने कोई एक नया काम स्टार्ट किया है? और यानी कि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे होगी? यानी कि जब तक आपका ब्रांड लोगों को दिखेगा नहीं तब तक काम कैसे चलेगा? और आपको अगर अपना कंज्यूमर बेस बड़ा करना है तो डेली नीड के जो हमारे प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि हो सकता है कि लोग आपसे अचानक से वेलनेस प्रोडक्ट ना ले सके। मैं कहता हूं कि सबसे आसान तरीका है डेली नीड के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट हैं, चाहे वो होम केयर हैं, चाहे पर्सनल केयर हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी डेली नीड के प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने डेली नीड के प्रोडक्ट का स्टॉक पॉइंट ले लिया, यानी कि आपने कीवा के 50,000 रुपए की होम शॉपिंग ले ली, घर के बाहर बैनर भी आपने लगा लिया, और अब सवाल उठता है कि काम को कैसे किया जाए, लोगों को यानी कि कंज्यूमर बेस को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की दुकान को कैसे बदलवाया जाए, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसको कैसे किया जाए इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज, या तो आप लोगों के साथ होम मीटिंग अरेंज करिए या 1-to-1 कीजिए, या उनको अपने स्टॉक पॉइंट या होम शॉपिंग पे बुलाइए। अब जब आपने क्या किया है, अरेंज द होम मीटिंग, आपने कोई होम मीटिंग अरेंज कर ली या 1-to-1 मीटिंग आपने कर ली, आप किसी के घर पे गए, आपने किसी को बुलाया अपनी दुकान पे या अपने घर पे या होम शॉपिंग पे, सबसे पहले आपको डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी को साबुन के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में मिलने वाले जो शॉप है और कीवा का जो ब्यूटी शॉप है उसके बीच में 2 से 3 चीजों का अंतर या फर्क आपको पता होना चाहिए। चाहे वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो उसकी क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे वो टॉयलेट सोप है या बाथिंग सोप है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। TFM कितना, ये सारी चीजें, यानी कि डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है सबसे पहली चीज, आप लोगों के दिमाग में जो कंज्यूमर बेस है उसके दिमाग में ये जाना चाहिए कि मैं जो साबुन इस्तेमाल घर में करता हूं वही साबुन कीवा के पास भी मौजूद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी क्या है, बेहतर है। दूसरी चीज आती है डिफरेंस ऑफ कीवा प्रोडक्ट एंड मार्केट प्रोडक्ट MRP। अब मार्केट प्रोडक्ट की जो MRP है और कीवा के प्रोडक्ट की जो MRP है उसके बीच आपको डिफरेंस भी करना पड़ेगा कि मार्केट में इस क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट कितने रुपए का मिलता है और कीवा में ये प्रोडक्ट आपको 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो सबसे पहले लोगों को लगेगा कि क्वालिटी वाइज बेहतर है, प्रोडक्ट क्या है सेम है, लेकिन प्राइस में क्या है, 10 रुपए का फर्क है या 5 रुपए का फर्क है, और
जब आप डेमोस्ट्रेशन शो करोगे तो क्वालिटी को लेके वो व्यक्ति बिल्कुल अश्योर हो जाएगा, और 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में बता दोगे तो प्रोडक्ट को लेकर के उसका भरोसा मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उनको बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर आप उनको लाइफ टाइम के लिए बता दोगे, मैं कहता हूं आपके पास 550 प्रोडक्ट कीवा के पास मौजूद है। यकीन मानिए कोई 5 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 15 लेगा, लेकिन लेगा जरूर अगर आप इस सीक्वेंस में किसी को कीवा के बारे में बताते हैं और कीवा से उनकी दुकान को जो है बदल रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस सीक्वेंस में लोगों से मिलना, उनसे बात करना और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कीवा बिजनेस की स्ट्रेंथ को हमें समझना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कीवा की होम शॉप या फ्रेंचाइजी लेकर के आप लाखों की इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि कीवा का अगर स्टॉक पॉइंट हम लोग लेते हैं या होम शॉपी हम लोग लेते हैं तो उसपे हमें 10-20% का मार्जिन मिलता है। स्टॉक पॉइंट अगर हम किसी को खुलवाते हैं तो हमें 1% का रेफरल इनकम मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जो कि आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम सुपर स्टॉक पॉइंट लेते हैं तो हमें 4.5-10% तक का मार्जिन मिलता है, और सुपर स्टॉक पॉइंट अगर हम किसी को खुलवाते हैं तो हमें 0.5% की रेफरल इनकम मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कोई व्यक्ति को कीवा का स्टॉक पॉइंट क्यों लेना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर आपने सर्विस तो बता दी कि टीम को सर्विस देनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोडक्ट की ब्रांड विजिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन हम 50,000 रुपया क्यों खर्च करें, हम कीवा का स्टॉक पॉइंट क्यों लें, या किसी को क्यों दिलवाएं, या कोई क्यों लेगा, इसके ऊपर सवाल खड़ा होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सिंपल सी चीज है, सबसे पहली चीज तो 550 से ज्यादा का प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट के अंदर अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं, आप उठा के देख लीजिए KFC देख लीजिए, पिज्जा हट देख लीजिए, तमाम तरीके के फ्रेंचाइजी ऑप्शन आपको मार्केट में दिख जाएंगे। 25-25, 30-30 लाख रुपए के फ्रेंचाइजी होते हैं, 15-15 लाख रुपए के फ्रेंचाइजी होते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 50,000 रुपए में और 550 से ज्यादा उत्पाद का फ्रेंचाइजी होल्डर आपको बनाया जा रहा है, इससे बेहतर बात और क्या होगी। अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, लगभग अप टू 25% का मार्जिन आपको मिलता है, और उत्पाद आप जहां का भी एड्रेस डालेंगे, जिस एड्रेस पे होम शॉपी होगा उस एड्रेस पे उत्पाद जो है वो फ्री पहुंचेगा। किसी तरीके की एरिया की कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे तहसील हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, हर जगह पे उत्पाद पहुंचता है, हर जगह पे, हर इंडिया के पिनकोड पे कंपनी की सर्विस है। और अगर कोई उत्पाद गलती से आपका एक्सपायर हो भी जाएगा तो उसको एक्सचेंज करने की सुविधा भी कंपनी आपको देती है। प्रोडक्ट आपके घर तक फ्री पहुंच रहा है, 550 से ज्यादा उत्पाद है, 25% से ज्यादा का मार्जिन है, एक के साथ एक फ्री है, प्रोडक्ट एक्सपायर होगा तो कंपनी बदल के देगी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो मुझे बताइए क्या कोई रिस्क है, क्या कोई नुकसान है? आप मुझे यहां पर चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या कोई नुकसान है जब जो प्रोडक्ट एक्सपायरी होगा उसको बदल के दिया जाएगा, मोर देन 550 प्रोडक्ट आपके पास है, फ्री शिपिंग है, 25% से ज्यादा का मार्जिन है, एक के साथ एक फ्री है, और एक्सक्लूसिव ऑफर पे एक के साथ दो फ्री भी आता है। जब रिस्क कुछ भी नहीं है, यानी कि 50,000 रुपए लगाने पे 7,000-8,000 रुपए कमाने का अगर मौका मिल रहा है और एक बिजनेस भी खड़ा हो रहा है, तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा बेहतरीन बात और दूसरी कौन सी हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टॉक पॉइंट के ऊपर दिवाली का बंपर ऑफर भी कंपनी की तरफ से चल रहा है, यानी कि ये सारे फायदे तो हैं, लेकिन कंपनी का बंपर ऑफर भी है कि कोई भी नया या पुराना स्टॉकिस्ट, कोई भी नया या पुराना होम स्टॉकिस्ट या एरिया स्टॉकिस्ट इस मंथ की क्लोजिंग तक 50,000 रुपए की परचेज करेगा, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उन सभी लोगों को एक लकी ड्रॉ के अंदर शामिल किया जाएगा, और उस लकी ड्रॉ के अंदर 100 लकी विनर्स को मिलेगा 10,000 रुपए का नगद इनाम प्रत्येक को, यानी कि 100 × 10,000 का मतलब हो गया 10 लाख रुपए का ये रिवॉर्ड कंपनी ने निकाला है। 50,000 रुपए लगा करके 7-8,000 रुपए कमाने का मौका, बिजनेस पॉइंट की इनकम अलग से, और अगर रिवॉर्ड में नाम आ गया तो 10,000 का कैश रिवॉर्ड अलग से। इतना ज्यादा रिटर्न आपको मार्केट में कहां मिल रहा है मुझे बताइए, कहीं देखने को मिलेगा? जवाब आता नहीं। घर से करिए, पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, कोई रिस्क नहीं, एजुकेशन की कोई बाधा नहीं, हर व्यक्ति इस बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
एक और ऑफर कंपनी की तरफ से यहां पर चल रहा है। इस मंथ की क्लोजिंग तक अगर 50,000 रुपए का कोई नया एरिया स्टॉकिस्ट खोलते हैं तो खोलने वाले और खुलवाने वाले को 10% का कीवा का वेलनेस ड्रॉप प्रोडक्ट फ्री दिया जाएगा। यानी 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 का प्रोडक्ट फ्री खोलने वाले को और खुलवाने वाले। यानी कि इतने ज्यादा ऑफर इस फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी ताकत को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आप जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, हम सभी को टारगेट लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल टारगेट लेना पड़ेगा। मैं कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर या चेयरमैन या डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या चाहे वो चेयरमैन हैं, हम सभी अगर ये टारगेट लेते हैं कि अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है नवंबर, स्टार्ट हो गया है नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हमारे पास लगभग 5 से 5.5 महीने का समय शेष है। इन 5 से 5.5 महीने के अंदर क्या 100 स्टॉक पॉइंट खोलना मुश्किल बात होगी या आसान बात होगी? मुश्किल बात होगी, आसान बात होगी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर के बताएं। सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या 5.5 से 6 महीने के अंदर 100 स्टॉक पॉइंट खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं, मुझे बताइए। क्या बात है, सभी लोग लिख रहे हैं सर आसान है, बड़ा ही आसान है, इजी है, ग्रेट, चलिए शुक्रिया। अब जब आपने अपने मुंह से ये बोल दिया है, आप सभी लोगों ने ये मान लिया है कि 100 स्टॉक पॉइंट खोलना हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है, 100 स्टॉक पॉइंट खुल सकते हैं, कितने रुपए से खुलेंगे, 50,000 रुपए से। अगर 100 स्टॉक पॉइंट 50,000 रुपए से खुलेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते 50,00,000 रुपए आपका मंथली सेल होगा। कितना होगा, 50,00,000 रुपए। यानी कि 50,000 के 100 स्टॉक पॉइंट अगर खुलेंगे, हर महीने वो 50,000 का रोटेशन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 20 लोगों की टीम भी होगी और 2,000 का सामान भी दिया जा रहा है तो भी 50,000 का रोटेशन आसानी से किया जा सकता है। यानी कि 100 स्टॉक पॉइंट होंगे और 50,000 का रोटेशन होगा तो 50,00,000 रुपए का सेल आपका मार्च में होगा। और 50,00,000 रुपए की अगर मैं सेल की बात करूं, 50,00,000 रुपए के सेल की अगर मैं बात करूं तो हमारा 50,00,000 रुपए का मंथली टर्नओवर होगा। और 50,00,000 रुपए मंथली टर्नओवर का 1% अगर मैं रेफरल निकाल दूं, 1% रेफरल इनकम अगर मैं ले लूं तो रेफरल इनकम भी आपकी होती है 50,000 रुपए। यानी कि अभी बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, डीपी के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करी है, 50,000 रुपए तो सिर्फ आपको रेफरल का मिल जाता है, यानी स्टॉक पॉइंट खुलवाने की इनकम आपकी होती है। अब जब 50,00,000 का हमारा सेल हो जाता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, मैं कोई यहां पे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत प्रैक्टिकल है और यहां बैठा हर व्यक्ति कर सकता है, अगर 50,00,000 का सेल होगा और उस 50,00,000 के सेल में ओनली 30% बिजनेस पॉइंट में एवरेज लेकर के चलूं तो भी 15,00,000 बीपी एवरी मंथ आपका आता है, 15,00,000 बीपी एवरी मंथ आता है। और 15,00,000 बीपी को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 7.5 लाख 7.5 लाख बिजनेस पॉइंट की मैचिंग होती है, यानी कि रूबी डायरेक्टर क्लब अचीव होगा और भी एक्स्ट्रा बीपी अगर और रीपर्चेस को जोड़ लिया जाए तो आप सिल्वर चेयरमैन क्लब भी अचीव कर लेते हैं। यानी कि अगर इन सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट करके देख लें, इन सारी चीजों को जोड़ करके हम लोग देखें तो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आप कीवा में टीम ऑफ फ्रेंचाइजी के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, टीम ऑफ फ्रेंचाइजी के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे तरीके से, मैं आपके तरीके से आपसे पूछूं, मैं अगर आपके तरीके से पूछूं कि कैसे 50,00,000 का टर्नओवर होगा या कैसे 50,00,000 की सेल तक हम पहुंचेंगे या किस तरीके से हम 7.5 लाख 7.5 लाख बिजनेस पॉइंट की 7.5 लाख 7.5 लाख बिजनेस पॉइंट की मैचिंग करेंगे तो शायद आप लोगों को इसका कोई रोड मैप बनाते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पास इसका कोई खास प्लानिंग नहीं है या इसका कोई रोड मैप नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आपको अपने तरीके से ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जो तरीका आज यहां पे डिस्कस हो रहा है इससे ये बिल्कुल आसान है। अगर आपकी टीम से 100 स्टॉक पॉइंट, मैं तो कह रहा हूं आप इंडिविजुअल अगर 100 स्टॉक पॉइंट खुलवा देते हैं, 100 फ्रेंचाइजी होम स्टॉक पॉइंट अगर खुलवा देते हैं, और किसके हो सकते हैं, किसी भी चीज के, कीवा के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे तो सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट का खुलवा दीजिए,
आप चाहे तो सिर्फ वेलनेस का खुलवा दीजिए, आप चाहे तो सिर्फ एग्रीकल्चर का खुलवा दीजिए, आप चाहे तो सिर्फ वेटनरी प्रोडक्ट का खुलवा दीजिए, आप चाहे तो सिर्फ रेडी टू ईट प्रोडक्ट का खुलवा दीजिए, जिसका चाहे उसका आप खुलवा सकते हैं, कोई बाउंडेशन कीवा के अंदर नहीं है। यानी कि 100 फ्रेंचाइजी अगर 50,000 का बिजनेस करती है तो 50 लाख का टर्नओवर होगा, 50 लाख पे अगर 30% भी लेकर के चले तो भी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी सब कुछ जोड़ दिया जाए तो। और इसमें सुपर की इनकम को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर 50 लाख के ऊपर आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं तो सोचिए 4.5% कितना होता है, ये इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ एज ए लीडर, एज ए इंडिविजुअल आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। अब सवाल ये उठता है कि होम शॉपी को ओपन करने के लिए, होम शॉपी को प्रमोट करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे हम इसको कर सकते हैं, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात को आप जितने भी लोग यहां पर हैं हम सभी को होम शॉपी या स्टॉक पॉइंट लेना चाहिए अगर हम बेटर सर्विस अपनी टीम को देना चाहते हैं तो। यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उनके पास अगर 20 लोगों का भी नेटवर्क है तो उनके पास 50,000 रुपए की होम शॉपी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो नेटवर्क 20 लोगों से 200 लोग और 200 से 2000 तक पहुंच जाएगा अगर इसका सही डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो रहा होगा तो। लेकिन अगर आपको अपनी टीम के अंदर स्टॉक पॉइंट आपने खुलवा रखे हैं लेकिन आप चाहते हो कि मुझे और भी अलग अलग तरीके से होम शॉपिंग के ऊपर काम करना है तो मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के कंपटीटर होंगे जिनको आप कीवा के स्टॉक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको यहां पर कुछ नाम आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये 4 तरीके के ब्रांड आपको यहां पर दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से किसी भी ब्रांड से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी ब्रांड में आपको 1+1 ऑफर की सुविधा लाइफटाइम के लिए मिलती है? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्या इनमें से किसी ब्रांड पे 1+1 की सुविधा लाइफटाइम के लिए मिलती है? नहीं मिलती है। चलिए थैंक यू सो मच। अब अगला मेरा सवाल है, क्या इनमें से किसी भी ब्रांड पे अप टू 25% का मार्जिन मिलता है? क्या इनमें से किसी ब्रांड के ऊपर अप टू 25% का मार्जिन मिलता है? क्या इनमें से किसी ब्रांड में एरिया की कोई बाउंडेशन जैसे कीवा के पास है, क्या इसमें ऐसी कोई कंडीशन है? तो जवाब आएगा नहीं है। क्या इनमें से किसी ब्रांड के पास इन सारे कैटेगरी का प्रोडक्ट मिलता है? एग्रीकल्चर भी मिले, वेलनेस भी मिले, रेडी टू ईट भी मिले, क्या ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिलते हैं? जवाब आएगा नहीं मिलते हैं। क्या एक्सपायरी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने की सुविधा इनमें से किसी ब्रांड के ऊपर आपको मिलती है? जब आप लोगों के सारे सवाल ना है, आप सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं सर किसी के ऊपर नहीं मिलती है, तो मुझे आप ये बताइए, जब इन ब्रांड वाले लोगों के पास जाकर आप कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताएंगे तो क्या लगता है आपसे वो कीवा का फ्रेंचाइजी लेंगे या नहीं लेंगे? क्या फ्रेंचाइजी होल्डर बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? मुझे बताइए, बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? जब इतने सारे फायदे अगर आप उनको गिनाएंगे तो 100% बनना चाहेंगे। लोग लिख रहे हैं सर 100% बनना चाहेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब 100% बनना चाहेंगे तो 100% अगर लोग कन्वर्ट होना चाहेंगे अपने ब्रांड से या एक्स वाई जेड ब्रांड से कीवा के स्टॉकिस्ट में, जब 100% बनना चाहेंगे तो क्या 100 स्टॉक पॉइंट अगले 4 से 5 महीने के अंदर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। जब अगले 4 से 5 महीने के अंदर 100 स्टॉक पॉइंट हो जाएंगे और 50,000 रुपए के हो जाएंगे तो 50 लाख की सेल को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब 50 लाख की सेल को कोई नहीं रोक सकता तो 50,000 की रेफरल इनकम को कोई नहीं रोक सकता, 7.5 लाख की मैचिंग को कोई नहीं रोक सकता और आपको 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए इस बिजनेस की स्ट्रेंथ को जानिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। हमें जो है फोकस रहना बहुत जरूरी है, एक चीज के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, डाइवर्ट हमें नहीं होना है, हमें बस इस कीवा फ्रेंचाइजी मॉडल को, इस स्टॉकिस्ट मॉडल को पकड़ के चलना है और इसी के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। कैसे काम होगा इसके लिए बहुत सारे जरूरी चीजें हैं, प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं, फिजिकल भी लोगों के पास जा सकते हैं, आपके पास फेसबुक टैगिंग है, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग है, तमाम तरीके आप लोग अपना सकते हैं, इनमें से किसी भी तरीके के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मिशन है, हर हर कीवा घर घर कीवा का जो हमारा मिशन है, तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए कीवा स्टॉकिस्ट हर जगह होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस वहीं ग्रो होगा
जहां स्टॉक पॉइंट होगा, पैसा वही कमाएगा जिसके पास फ्रेंचाइजी होगा, उसी की टीम हमेशा आगे बढ़ेगी जिसकी टीम के अंदर नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी ज्यादा होंगे, और जो लीडर अगले 5 महीने के अंदर 100 फ्रेंचाइजी अगर खोल देगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसको 3 से 4 लाख रुपया कमाने से नहीं रोक सकती। तो आप खुद से ये सवाल कीजिए कि इस क्लोजिंग में आप कितने स्टॉक पॉइंट खुलवाने वाले हो, और इस सवाल का जवाब जो है वो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। हो सकता है आप लोग ये तय करते हैं कि इस मंथ हम लोग कितने इस क्लोजिंग तक फ्रेंचाइजी खुलवाने वाले हैं, तो जो भी आपका टारगेट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जिसका कोई गोल होता है, जिसने कुछ सोच रखा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग ये बताइए कि आपके दिल से क्या आवाज आ रही है, क्या इस कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काम करके आपकी टीम का हर व्यक्ति 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा सकता है, नहीं कमा सकता, मुझे बताइए। क्या लगता है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर अगर काम किया जाए तो हमारी टीम बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है, हमारी टीम ग्रेट, सभी लोग लिख रहे हैं सर कमा सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है 100%। और जब हो सकता है तो फिर आप सोचना क्यों, क्योंकि रिस्क कुछ भी नहीं है। कीवा ने इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों को दी हैं, तो रिस्क कुछ भी नहीं है, इसलिए सोचना नहीं है, लग जाना है और इस दिवाली को कीवा वाली दिवाली बनाना है। क्योंकि दिवाली है तो खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ानी है, तो इनकम बढ़ाने के लिए कीवा जैसा प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के साथ है, तो उसको समझिए दोस्तों और इसको प्रमोट करिए और इसके ऊपर फोकस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसका फीडबैक जो है वो आप अपने चैट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आज आपको ये सेशन कैसा लगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको यकीनन है यहाँ से सुनने को, जानने को, समझने को मिली होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप अपनी टीम के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर अपनी इनकम को कई गुना ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। और दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप लोग बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कीवा काइको इंडस्ट्रीज की तरफ से और कीवा के पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, कीवा की ट्रेनिंग टीम की तरफ से। मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ रात्रि।